भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के ठीक सामने कोटी तीर्थ घाट पर 13 वर्षीय बालक डूब गया। नीरज पिता बबलू जाट उम्र 13 वर्ष निवासी करौली के पास ममचार राजस्थान अपने परिवार के साथ भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन करने से पहले नर्मदा स्नान करने पहुंचा था। घाट पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होने से वह गहरे कुंड में जाकर स्नान करने लगा। अचानक पैर फिसला और नर्मदा नदी की गहराइयों में डूब गया। परिवार के लोगों ने डूबते हुए बालक को बचाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी भी प्रकार के घाट पर कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं थे, न ही कोई गोताखोर था। बालक अपने माता पिता, दादी, भाई बहन के सामने ही नर्मदा नदी की गहराई में डूब गया। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। स्थानीय गोताखोर बालक की खोज में लगे हैं। वहीं नर्मदा नदी का जलस्तर कम होने से डूबने की घटनाएं आए दिन हो रही है। लोगों ने भारी आक्रोश व्यक्त किया। नर्मदा नदी की धारा ओंकारेश्वर बांध से पानी रोककर पूर्ण रूप से बंद कर दी जाती है, इसी कारण डूबने की घटना लगातार होती रहती है। विगत एक पखवाड़े में 4 से अधिक लोग नर्मदा नदी के घाटों पर रुककर अपनी जान दे चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील शर्मा ने RTE के तहत जानकारी निकाली तो 2010 से लेकर 2018 तक 175 लोग नर्मदा नदी में डूबकर अपनी जान दे चुके हैं। 2021 तक यह आंकड़ा बढ़कर 250 के आसपास पहुंचा जा सकता है। 2021 तक यह आंकड़ा बढ़कर 250 के आसपास जा पहुंचा है। लगातार नर्मदा नदी में डूबने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सुरक्षा के कोई भी बंदोबस्त नहीं है। पुनासा मानदाता से राम पवार नायक की ये रिपोर्ट।